हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो देश में है क्या है कि लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और जो कि एक हैशटैग चल रहा है सोशल डिस्टेंस का। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी उस हैशटैग का स्वागत कीजिए जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उनकी कही गई बातों का आप लोग अनुसरण कीजिए, जिससे हम अपने देश को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश संकट में जूझ रहा है। और आज का समय है हम सभी अपने भारतवासी के, जो एक एक हर एक बच्चे को अपनी देशभक्ति दिखाने के समय आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एक नागरिक का देशभक्ति दिखाने का समय आ चुका है। ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ मैं, इस वीडियो में आपको कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा, कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताऊँगा, जो कि आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाए कि बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज कैसे होते हैं, हाई लेवल कंप्यूटर कोर्सेज कैसे होते हैं, आप किस सिचुएशन में आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, यानी कि अगर आप अभी 12th पढ़ रहे हो तो आपको कौन कोर्सेज करना चाहिए कम समय में, या फिर आप 10th पढ़ रहे हो या 10th के बाद जब आप लोगों की छुट्टियाँ होती हैं तो उस समय में आप कौन से कोर्सेज को कर सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद कौन सा कोर्सेज करोगे, हाई लेवल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, और इस समय यानी कि आने वाले समय कौन से कोर्सेज की ज़्यादा मांग हो सकती है, और साथ में कुछ बेसिक कोर्सेज जो कि मैं अपने चैनल पर भी कराऊंगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जैसे वैकेंसी आती हैं और एचक्यूडी असिस्टेंट्स की वैकेंसी आती हैं, स्टोनों की आती हैं, वहाँ पर कुछ आपसे बेसिक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी आती हैं वहाँ पर सीसी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, भले भांति परिचित होंगे ट्रिपल सी से, इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। और इन सभी कोर्सेज जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो सारी के सारी वैकेंसीज कंप्यूटर बेस से पर होंगी। आप लोगों से कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो आप लोग टाइपिंग भी सीखिए, टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप टाइपिंग भी कंप्यूटर सीखने के साथ साथ जो लोग डेली कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के इंटरेस्ट की बात है, या तो पहले आप इन सभी बेसिक कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा, आपको बेसिक कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग ट्रिपल सी एमएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एचक्यूडी असिस्टेंट्स या फिर स्टोनो की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था और डाटा एंट्री ऑपरेटर में एमएस ऑफिस से या फिर इंटरनेट से या फिर क्या कहते हैं जीमेल चैप्टर से जो 2016 के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में, उन सभी की जो आंसर शीट थे यानी कि जो नवंबर दिसंबर में डीओ का बेल्ट्रॉन के थ्रू एग्जाम लिया गया था, उन सभी के आंसर शीट को कलेक्ट करके एक ई बुक तैयार कर लिया गया है। तो सभी लोग आप लोग बाई कर सकते हो, जो लोग डीओ एचक्यूडी असिस्टेंट्स या स्टोनो की तैयारी कर रहे हैं, और उस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक मिनिमम प्राइस में रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जब आपको कोई भी चीज़ का एक रेट लगा कर दिया जाता है यानी कि उस चीज़ का जब वैल्यू लिया जाता है तब आप उसका वैल्यू समझते हो, जब आपको कोई भी चीज़ें फ्री में दी जाती है तो आप उसका वैल्यू नहीं समझते हो, आप उसको रीड नहीं कर सकते हो। ये मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ और खुद के साथ भी होता है, जब कोई चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं तब उसका वैल्यू नहीं समझते। इसलिए फ्रेंड्स, इसका प्राइस रखा गया है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप जाकर परचेज कर सकते हो, तो वहां पर आप उसको रीड करोगे। जब आप किसी चीज के लिए पैसे दिए रहते हैं तो आई होप आप उसको जरूर ध्यान देते हैं, उसके तरफ आपका ध्यान जाता है और आप रीड करते हो और आप तैयारी करोगे, बहुत ही बेस्ट है, और एक तरह से वो प्रैक्टिस सेट कहा जा सकता है, रामबाण कहा जा सकता है आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए, डीओ के लिए, एचक्यूडी के लिए और स्टोनो के लिए, ठीक है। और जो ट्रिपल सी का भी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए भी वो एक तरह से क्या है कि प्रैक्टिस सेट यानी कि अभ्यास प्रश्न ही साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस लाने वाला हूं, आपके कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जानकारी लाने वाला हूं, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।